टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के सड़क हादसे के बाद देश भर में सड़क सुरक्षा को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। इस बीच एक चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सीट बेल्ट पर चार मुख्यमंत्रियों की चोरी का किस्सा सुना दिया, साथ ही ये भी बताया कि कैसे उन्होंने बचपन में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि रोड सिक्योरिटी को लेकर आम जनता को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि पीछे की सीट पर बेल्ट लगाना जरूरी नहीं है, कार में आगे और पीछे बैठे लोगों को सीट बेल्ट लगानी चाहिए। साइबर मिस्त्री के निधन पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। यह देश के लिए एक झटका है। देश में हर साल 5 लाख सड़क हादसे होते हैं और 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। यह और भी दुखद है कि इनमें 65% लोग 18 से 34 साल के बीच के होते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी को छोड़िए, मैंने 4 मुख्यमंत्रियों की कार में यात्रा की है। मुझसे नाम मत पूछिए, मैं आगे वाली सीट पर बैठा था। पीछे मैंने देखा कि वहाँ बेल्ट लगाने की जगह पर एक क्लिप लगी हुई थी। मैंने ड्राइवर्स को डांटा और क्लिप हटवाई। गडकरी ने बताया कि इस वाकये के बाद मैंने क्लिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री को बैन कराया। सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सितारों का सहारा लिया। गडकरी ने यह भी बताया कि जवानी में वो खुद भी नियम तोड़ते थे, तब उनको पता नहीं था कि ये कितना खतरनाक है। बता दें कि रविवार को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार एक्सीडेंट की जांच में पता चला कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। साइरस मिस्त्री कार की पिछली सीट पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके साथ कार की आगे सीटों पर बैठे चालक समेत दोनों लोगों ने सीट बेल्ट लगाई थी। इस हादसे में उनकी जान बाल बाल बची है, वहीं साइरस मिस्त्री की जान चली गई। कॉलेज के दिनों को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव के वक्त वो स्कूटर पर 4 लोग बैठाकर घूमते थे, नंबर प्लेट को हाथ से छिपा लेते थे जिससे चालान ना हो। अब लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होगा। कुछ राज्यों में सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए गडकरी ने कहा कि राज्य सरकारें हर साल सड़कों की मरम्मत के लिए 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। इसके बाद भी सड़कों की हालत न सुधरना बड़ी चिंता की बात है। नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय सभी कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने की दिशा में काम कर रहा है। यही कार निर्माता जब कार का निर्यात करते हैं तो 6 एयरबैग लगाते हैं, उसके बाद भी भारतीय कारों में केवल 4 एयरबैग क्यों डालते हैं? क्या हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है? नितिन गडकरी ने कहा कि एक एयरबैग की कीमत केवल 900 रुपये है, वहीं अधिक संख्या में इसका प्रयोग होने पर इसकी लागत और भी कम होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।